देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राजयोगी बीके निर्वैर भाई जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पूर्व महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर भाई जी की स्मृति में शांतिवन स्थित दादीजी मीटिंग हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें आबू रोड तथा आसपास के लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नगर सुधार न्यास के पूर्व चेयरमैन हरीश कोठारी, सदर सीआई राजीव, माउंट आबू के थानाधिकारी सुरेश, समाज सेवी तथा अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गीता सार विषय पर भोपाल में त्रिदिवसीय कार्यक्रम। भोपाल स्थित ब्रह्मा कुमारी के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र द्वारा सफल एवं सुखी जीवन का आधार गीता सार विषय पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें माउंट आबू से आई गीता ज्ञान विदुषी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर व्याख्यान दिया। सभा को मार्गदर्शित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति संघर्ष में जीवन नष्ट कर रहे हैं, चाहना है कि जीवन के युद्ध में विजयी हो जाऊं, पर मार्ग नहीं मिल रहा। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन के हर युद्ध से बचने का समाधान देती है। यानी स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म से संपादित धर्म माना जो पुण्य अर्जित करेंगे, है ना, जो स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म है उससे जो धर्म को लाएंगे यानी जो पुण्य को प्राप्त करेंगे वो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव माननीय अवधेश प्रताप सिंह एवं IIMC के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉ. संजय द्विवेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉ. रीना ने कहा कि भोपाल वासियों को धार्मिक परिपक्वता की मिसाल कायम करनी चाहिए। भोपाल को धार्मिक सौहार्दता का शहर बनाने में धर्म एवं मीडिया को मिलकर काम करना होगा। निश्चित तौर पर जैसा हम आदरणीय दीदी को सुन रहे थे, बहुत ही उन्होंने गहन बात और आध्यात्मिकता के साथ जो गूढ़ बातें बताई हैं ये कहीं पर भी आपको किसी भी शास्त्र में लिखने को नहीं मिलेंगी। मैं अभी वो सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी जो बातें बताई निश्चित तौर पर हम सभी के मन मस्तिष्क और दिल तक वो गई हैं। कि ऐसे वक्ता बहुत कम हमें मिलते हैं जो बहुत ही व्यवहारिक तरीके से चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं। आज उनके पहले दिन के प्रवचन से हमें पता चला है उन्होंने गीता और महाभारत को लेकर के कितना अध्ययन और कितना अध्यवसाय किया है। स्थानों पर जा कर के वो गई हैं और उनके मन में जो प्रश्न थे जो हम सबके मन में भी होते हैं उनके उत्तर तलाशने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है ऐसी तपस्वी दीदी का यहाँ पर होना और इस पूरे वातावरण को उन्होंने इस अवसर पर अतिथियों द्वारा बीके उषा का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में भोपाल के हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन का लाभ लेने पहुंचे। यूनियन मिनिस्टर का ORC दौरा। ORC में संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एवं मेडिटेशन रिट्रीट के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर समाज सेवा प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया, जिसके पश्चात ORC परिसर का भ्रमण कर सेवाओं की जानकारी ली। परिसर में बने हुए आध्यात्मिक म्यूजियम का अवलोकन करते हुए उन्होंने कहा कि इस म्यूजियम में बहुत अच्छे तरीके से देवी देवताओं की संस्कृति का अद्भुत दृश्य दिखाया गया है, जिसके द्वारा लोगों को भारत की आदि सनातन देवी देवताओं की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं ORC की निदेशिका बीके आशा ने कैंपस के सभी डिपार्टमेंट्स और सेवाओं के बारे में जानकारी दी। प्रभाग के उपाध्यक्ष गुलबर्गा से आए बीके प्रेम ने बताया कि प्रभाग के अंतर्गत समाज सेवाओं के लिए विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को लेकर कार्यक्रम और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र ने मंत्री जी को मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया, जिसके पश्चात समाज सेवा प्रभाग का मोमेंटो और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान बीके विजय, बीके दीपेश, बीके सुनील, बीके महावीर समेत प्रभाग के अन्य कई सदस्य भी मौजूद रहे। किसानों के कारण ही हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है।
ब्रह्मा कुमारीज किसानों के सशक्तिकरण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। यह एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में शांति की पुनर्स्थापना के लिए समर्पित है। यह बात कही दिल्ली सरकार के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जगदीश यादव ने, जो हाल ही में गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में किसानों के लिए आयोजित सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने विषय के तहत कहा कि हमारे मन के शक्तिशाली संकल्प प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए आज कृषि क्षेत्र में योग्य खेती का महत्व बढ़ रहा है। ब्रह्म कुमारी जी का स्लोगन ही ओम शांति से शुरू होता है। विश्व में एक ऐसी संस्था ब्रह्म कुमारी जी है कि जिसको बार बार 7 बार पूरे विश्व में शांति का पुरस्कार मिला, और हम सब लोग अपने जीवन में शांति ग्रहण करने के लिए यहाँ आकर अपनी दीदियों के, इनके महानुभावों के शब्दों द्वारा अपने जीवन में आंकलन करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वो शांति आए कि जिससे हमारा जीवन एक खुशहाल और शांत रहे। योगिक परिश्रम से जो धरती 10% देती थी वो अब 100% के करीब देती है। ये कोई कम मैं ठीक कह रही हूं, ये कोई कम उपलब्धि की बात नहीं है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पेड़ पौधों पर, पशुओं पर, इन सब पर पड़ता है, संकल्पों का प्रभाव। आगे कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा बीके सरला ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो किसान पहले आत्मनिर्भर था वो किसान आज आत्महत्या कर रहा है, इसलिए आवश्यकता है किसानों के सशक्तिकरण की। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप निदेशक अनिल कुमार, सुप्रीम कोर्ट की लॉ ऑफिसर दीपिका देशवाल, अशोक फाउंडेशन से अमित टुटेजा एवं बीके सतवीर ने भी अपने विचार रखे। जो स्वच्छ और स्वर्णिम भारत था, पुनः इन किसानों के द्वारा ही ये भारत स्वर्णिम बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनाने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो वो कृषकों का है। आपके अपने खेत के अंदर जो संसाधन है उनका प्रयोग करें, तो यह है आप फसल अवशेष ना जलाएं, क्योंकि धान की पराली का कटाई का समय आ चुका है। मेरी आपसे गुजारिश है, विभाग की तरफ से गुजारिश है, प्रकृति को बचाने के लिए प्रवाहित है कि आप फसल अवशेषों को अपने खेत में ही जुताई करें, उन्हें जलाने की प्रकृति को, अपने पर्यावरण को, अपने शरीर को दूषित ना करें। एक ऑफिसर्स की तो रिटायरमेंट की एज भी होती है, लेकिन ब्रह्म कुमारी इसकी तो कोई रिटायरमेंट की एज ही नहीं है। वो तो बचपन से लेकर जब तक बुजुर्ग होती हैं, लास्ट दम तक भी बाबा की याद में अपने देश के लिए काम करती रहती हैं, हम लोगों के लिए काम करती रहती हैं। हमें किसान को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल पाए और ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब रियलिटी है। अब भविष्य में इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना नुकसान कर चुके हैं हम ऑलरेडी। इसको रिवर्स करना बहुत बहुत मुश्किल है, और कोशिश की जा रही है, बट बहुत समय लगेगा उस चीज को करने में। बट तब तक हम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर सकें, इस पे भी बहुत कार्य हो रहा है। कार्यक्रम में कलाकारों ने धरती माँ की पुकार विषय पर एक सुंदर नाटिका की प्रस्तुति दी, जिससे 2000 से भी अधिक किसानों एवं अन्य लोगों को जागरूकता आई। इसी कड़ी में बीके राजेंद्र, बीके राजकुमारी ने भी अपने विचार साझा किए। बीके सुनीता ने राजयोग के अभ्यास द्वारा सभी को शांति की गहन अनुभूति कराई। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर तुलसी मुंडा का हाल ही में भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में आगमन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद सभी अतिथियों के समक्ष संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ। अतिथियों ने बेहतरीन विश्व पर्यावरण के लिए अपना अपना बहुमूल्य वक्तव्य रखा, और फिर सभी ने विश्व शांति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ क्षण योग किया। आपको बता दें, तुलसी मुंडा ओडिशा की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने स्वयं अनपढ़ होते हुए भी ओडिशा के गरीब आदिवासी लोगों के बीच साक्षरता फैलाने में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में भूवैज्ञानिक रमेश चंद्र किसान, सुब्रत कुमार पटनायक,
आशा किरण अनाथालय से प्रताप कुमार प्रधान समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। आज जो इस अवसर पर जो हम लोग उपस्थित हुए पद्मश्री डॉक्टर तुलसी मुंडा के साथ, बहुत ही स्वर्गीय परिवेश था और उनका प्रेजेंस में जो वृक्षारोपण हुआ बहुत ही अच्छा काम है, और उसी अच्छा काम को और ही अच्छा किया उनका प्रेजेंस पद्मश्री डॉक्टर तुलसी मुंडा का। और इसी अनुष्ठान का जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहन लोग हैं प्रेजेंट थे, वो भी बहुत ही आमोदित किया इसी कार्यक्रम को। आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ समाज को आगे लेने के लिए हम पर्यावरण की चिंता भी प्रकट करते हैं, उसके साथ साथ उसके लिए बहुत सारे गतिविधियां भी करते हैं जो कि समाज को आगे लेने के लिए बहुत सहायक होगी। तो युद्ध पर सेवा को रिप्रेजेंट करते हुए मैं सुब्रत अग्नेशन की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि हमें यहाँ बुला के हमें और प्रोत्साहित किए कि और युवा को लेके हम कैसे आगे काम कर सके। भारत स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 4.0 के अंतर्गत जो यूनिट 8 भुवनेश्वर में जो कार्यक्रम था यहाँ पे प्रजापति विश्वविद्यालय में, तो इसमें बहुत परिवेश बहुत खूब सुंदर था, यहाँ पे आध्यात्मिक था, साथ साथ ही पद्मश्री मुंडा मैडम का प्रेजेंस, जो तुलसी अपा मैडम का प्रेजेंस बहुत ही खूब सुंदर था, और यहाँ का परिवेश और भी बहुत खूब सुंदर था, और यहाँ पे बहुत कुछ नया कुछ सीखने के लिए हम लोग को मिला। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर भाई जी ने अपने अलौकिक और अद्भुत व्यक्तित्व से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया। उन्होंने मुख्यालय से सार्वभौमिक शांति, बेहतर दुनिया के लिए वैश्विक सहयोग, सार्वभौमिक सद्भाव, बदलते समय के लिए आध्यात्मिक प्रतिक्रिया, मूल्य आधारित समाज के लिए हमारे प्रयास और अन्य कई विषयों पर ऐसे कई सम्मेलनों की मेजबानी की जो देश विदेश में भी अपनी सेवाओं से कई लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बने। अमेरिका में वॉशिंगटन DC स्थित ब्रह्मा कुमारीज की मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके जैना से सुनिए उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने क्या कहा। On my very first trip to Mount Abu, it was Brother Nirvay who knew when my birthday was coming on March 12th. And he had a cake made for me and to create a birthday party in the park in the garden area of Supdam. He had not known that one of my biggest interests was to really always have a really special birthday, which I had missed. I'd never had that special birthday that I always wished for. आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।